ما هي العقوبات النظامية بحق من يتم ضبطهم؟ من يتم ضبطه من ممتهني ظاهرة التسول هم أن يتم السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال أو بكل العقوبتين معا كذلك يتم إبعاد الأشخاص من غير السعوديين الذين يتم ضبطهم ويمنعون من دخول المملكة مرة أخرى نحث الجميع على المبادرة للإبلاغ عبر رقم العمليات الامنيه بمنطقتي مكه المكرمه والرياض 911 وبقيه مناطق المملكه 999 المساهمه حقيقه واستشعار المسؤوليه الاجتماعيه في مكافحه هذه الظاهره وما يترتب عليها من مخاطر هو

वीडियो के शुरू में भी देखा होगा यहाँ पर बताया यह गया है कि सऊदी अरबिया के अंदर जो बंदे भीख मांगते हुए नज़र आएंगे उनके लिए कानून जो है वो और ज़्यादा सख्त कर दिया गया है अपडेट के मुताबिक बताया ये गया है कि अगर कोई भी बंदा सऊदी अरबिया के अंदर भीख मांगते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको एक साल कैद और एक लाख रियाल का जुर्माना किया जाएगा जबकि भीख मांगने वा भीख मांगने वाला शख्स अगर गैर मुल्की हुआ तो उसको जो सज़ा है वो पूरी करने के बाद सऊदी से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और दोबारा वो सऊदी अरबिया नहीं आ सकेगा तो जैसा कि आपको तो है कि सऊदी रबिया में अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो भीख मांगते हुए नज़र आते हैं अलग अलग जगहों पर लोग जो है वो भीख मांगते रहते हैं तो इसलिए सऊदी अरब में लोग भीख ना मांगे इसलिए कानून जो है वो और ज़्यादा हार्ड किया जा रहा है और जो सज़ा है वो और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है पहले छः महीने क़ैद की सज़ा जो है वो देने का ऐलान किया गया था लेकिन अब इसको एक साल तक बढ़ा दिया गया है कि एक साल कैद की सज़ा जो है लोगों को दी जाएगी जो लोग भीख मांगते हुए पकड़े जाएंगे तो आप लोग भी इस तरह का अगर काम करते हैं तो बिल्कुल भी ना करें ख़ासतौर तो से अगर आप गैर मुल्की हुए तो फिर आपको सदरबियत से निकाल भी दिया जाएगा अगली अपडेट यह है कि सऊदी में भारतीय नागरिक पर एक करोड़ पचासी लाख रुपए के घोटाले का आरोप है आरोपी रफीक मूल रूप से खुशीनगर का रहने वाला है यूपी एस से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है मिली जानकारी के अनुसार सऊदी में रफीक आयुर्वेद की दुकान में सेल्समैन का काम करता था लॉकडाउन के दौरान जब काम का भार पूरी तरीके से उसके कंधों पर आ गया तो उसकी नियत में खोट आ गई उसने जालसाजी करनी शुरू कर दी और एक करोड़ पचासी लाख रुपए हवाला के ज़रिए घर भेज दिए बाद में जब मामले का खुलासा हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई सऊदी में भारतीय एम्बेस ने पुलिस को पत्र भेजा और जांच को पूरा करने की अपील की आखिरकार जिला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया वो तीन महीने से बिहार में छुप बैठा था जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर जो इमेज है वो देख सकते हैं तो आप लोग भी इस तरह का काम बिल्कुल भी ना करें अगर आप सोचते हैं कि सऊदी अरब में गलत काम करके आप इंडिया भाग जाएंगे तो इंडिया में भी आपकी गिरफ्तारी हो सकती है तो कोशिश करें कोई भी गलत काम जो है बिल्कुल भी ना करें क्योंकि सऊदी अरबिया के अंदर इंडियन एम्बेसी मौजूद है और इंडियन एम्बेसी में बंदा जब जा, जाकर शिकायत करेगा तो इंडियन एम्बेसी इंडिया की पुलिस से जो है वो कांटेक्ट करेगी और बाद में जो भी बंदा सऊदी अरब में गलत करके गया होगा तो उसको इंडिया से भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा इसके साथ उसको तो अगली अपडेट ये है कि जद्दा में एक सऊदी शहरी को सिक्योरिटी फोर्स वाले गिरफ्तार करने जा रहे थे कि उसने खुद को बम से उड़ा दिया अपडेट के मुताबिक बताया यह गया है कि ये सऊदी शहरी को आतंकवाद करार दिया गया था और इस सऊदी शहरी को जब पुलिस वाले गिरफ्तार करने जा रहे थे तो ये एक जैकेट पहना पहना हुआ था शायद उसके अंदर इसने बम जो है वो फिट किया हुआ था तो बम से खुद को उड़ा दिया इस हमले के नतीजे में जो तीन पुलिस वाले थे वो भी जख्मी हुए और वहाँ पर मौके पर एक पाकिस्तानी था वो भी जख्मी हुआ है और जबकि जो सऊदी शहरी था उसकी मौत हो गई है के साथ ही अगली अपडेट दिल्ली एयरपोर्ट के हवाले से आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट का अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो मास्क अपने साथ जरूर लेकर जाएं क्योंकि दिल्ली के अंदर मास्क की जो पबंदी है वो अनिवार्य कर दी गई है इसी तरीके से यहां पर अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जो लोग आएंगे जाएंगे उनको भी मास्क की पाबंदी करनी होगी तो अगर आप सऊदी अरबिया से दिल्ली का सफ़र कर रहे हैं तो अपने साथ मास्क ज़रूर लेकर जाएं। जैसा कि आपको तो हैं कि सऊदी अरब में मास्क जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है लेकिन अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो फिर आपको मास्क अपने साथ लेकर जाना होगा क्योंकि वहाँ पर आपको मास्क की पबंदी करनी ज़रूरी होगी इसके साथ ही अगली अपडेट यह है कि सऊदी अरब में पिछले 24 घंटे में 106 नए कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड पर आए हैं जबकि एक लोग ठीक हुए हैं और एक शख्स की मौत भी हुई है सऊदी अरब में इस वक्त जो आई में केस है उनकी तादाद 80 है तो दोस्तों ये थी आज की सऊदी अरब की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट इंपॉर्टेंट खबर जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बिल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें